नमस्कार, राजधानी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रदूषण के मद्देनजर सोमवार से एक हफ्ते तक स्कूल बंद रहेंगे। 14 से 17 नवंबर तक निर्माण कार्यों की अनुमति नहीं होगी। वहीं सरकारी कार्यालय एक सप्ताह के लिए पूरी क्षमता से घर में संचालित होंगे तथा निजी कार्यालय घर से काम के विकल्प हेतु निर्देश जारी कर दिए गए हैं। दिल्ली सरकार ने राज्य में प्रदूषण के मद्देनजर सोमवार से एक सप्ताह के लिए सभी स्कूल बंद करने की घोषणा की है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को दिल्ली में वायु प्रदूषण की गंभीर स्थिति और बिगड़ती वायु गुणवत्ता को देखते हुए दिल्ली में सोमवार से एक सप्ताह के लिए सभी स्कूलों को बंद करने का आदेश दे दिया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सोमवार से एक सप्ताह के लिए स्कूल बंद रहेंगे। वर्चुअल तरीके से कक्षाएं चलेंगी ताकि बच्चों को प्रदूषण हवा में सांस ना लेनी पड़े। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री ने यह भी ऐलान किया है कि 14 से 17 नवंबर तक निर्माण गतिविधियों की अनुमति नहीं दी जाएगी और सरकारी कार्यालय एक सप्ताह के लिए पूरी क्षमता से घर से काम करेंगे, जबकि निजी कार्यालयों को एक ही विकल्प चुनने के लिए एक सलाह जारी की जाएगी। तो दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का जो स्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके मद्देनजर रखते हुए दिल्ली सरकार ने फैसला लिया है। आपको बता दें कि एक सप्ताह के लिए स्कूल बंद करने का फैसला लिया गया है। तो वहीं पर 14 से 17 नवंबर तक जो निर्माण कार्य होंगे उनको अनुमति नहीं दी गई है, वो पूरी तरीके से बंद रहेंगे। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में पॉल्यूशन काफी बढ़ा है और जो डेटा दिखाता है कि 30 सितंबर तक दिल्ली की हवा लगभग साफ थी, सेटिस्फैक्ट्री रेंज में थी। एयर क्वालिटी इंडेक्स 100 के नीचे था, जो कि सेटिस्फैक्ट्री रेंज मानी जाती है। और 30 सितंबर के बाद से लगातार पोल्यूशन बढ़ रहा है और ये जो आसपास के राज्य हैं वहाँ से जो पराली जलने की वजह से किसान मजबूर होकर जो पराली जलाता है वो जो आ रहा है उसकी वजह से पोल्यूशन बढ़ रहा है। ये समय एक दूसरे पे उंगली उठाने का नहीं है और हमारा वो मकसद भी नहीं है। इस वक्त हमारा मकसद दिल्ली सरकार का और दिल्ली के लोगों का ये है कि दिल्ली के अंदर जो पोल्यूशन बढ़ने की वजह से इमरजेंसी जैसे हालात क्रिएट हो गए हैं उसको कैसे निपटा जाए, अपने दिल्ली के लोगों को राहत कैसे पहुंचाई जाए, अपने दिल्ली के बच्चों को कैसे राहत पहुंचाई जाए ताकि वो साफ सांसें ले सकें। तो अभी हमारी मीटिंग हुई थी, सारे डिपार्टमेंट्स के लोग आए थे, मंत्रीगण थे, ऑफिसर्स थे और कुछ ये मोटे मोटे तौर पे चार कदम आज हम लोगों ने डिसाइड किए हैं। एक तो ये कि सोमवार से एक हफ्ते के लिए स्कूल फिजिकल बंद किए जा रहे हैं, वर्चुअल क्लासेस चलेंगी लेकिन फिजिकली। और इस पर अधिक बातचीत करने के लिए मेरे सहयोगी दिल्ली से लाइव जुड़ चुके हैं राजीव तिवारी। राजीव, देखिए फिजिकली के लिए इस तरीके से स्कूल को तो बंद कर दिया गया है, साफ तौर पे जो वर्चुअली होगा उसके भी क्लासेस कक्षा तो चलेंगी, लेकिन जो प्रदूषण है वो लगातार बढ़ रहा है। फिलहाल समाधान के लिए क्या स्कूल बंद कर देना ये कोई समाधान या कोई समस्या का हल हो सकता है क्या? सरकार के द्वारा हो या फिर राज्य सरकारों के द्वारा हो, अभी तक कोई भी ऐसा कदम जो है वो उठता हुआ नजर नहीं आ रहा जिससे कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर, दिल्ली के एनसीआर के अंदर कहीं ना कहीं पॉल्यूशन जो है वो घटता हुआ नजर आए। मतलब लगातार जिस तरीके से परिस्थिति बनी हुई है, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, उसके बाद में दिल्ली सरकार की नींद जागी और नींद खुलने के बाद में जिस तरीके से एक हफ्ते के लिए उन्होंने स्कूलों को बंद कर दिया गया, स्कूल बंद करना एक समाधान नहीं है, ये दिल्ली सरकार को भी समझना होगा। क्योंकि स्कूलों को बंद करने के माध्यम से तो कहीं ना कहीं बच्चों को जरूर अपने घर में बिठा दिया जाए, उनकी लगभग 2 साल से पढ़ाई नहीं हुई थी वो भी कहीं ना कहीं सरकारी रूप से जैसे ही पट्टी पर आने स्टार्ट हुई तो वैसे ही आपके फिर एक हफ्ते के लिए स्कूल बंद कर दिया गया। मगर स्कूल बंद करने के साथ साथ जो बच्चे घरों के अंदर पढ़ाई करेंगे, मगर जो घरों के अंदर वातावरण है वो भी कहीं ना कहीं बिगड़ता जा रहा है, वायु प्रदूषण जो है वो दिल्ली के घरों के अंदर भी बिगड़ रहा है। क्योंकि घरों के अंदर भी अब बच्चों को या फिर बड़ों को मास्क लगाने की जरूरत पड़ रही है, तो फिर इसी कहीं तो प्रदूषण जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है।
प्रदूषण को कम करने के लिए, पराली को रोकने के लिए कुछ कदम होने चाहिए, तो वो कदम उस पर नजर नहीं आ रहे हैं। इसका समाधान भी यहाँ पर किया जा रहा है। राजीव, देखिए कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी इस मुद्दे को लेकर, जहां पर कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को फटकार लगाई गई थी। इसमें कहा गया था कि अगर हो सके तो आप लॉकडाउन लगा दीजिए 2 दिन का, लेकिन जिस तरीके से सिचुएशन है वो यहां पर ठीक नहीं है। अब खुद केजरीवाल सरकार ने यहां पर स्कूल बंद कर दिए हैं, जो निर्माण कार्य है उनको फिलहाल रोक दिया गया है। फिलहाल क्या कुछ गाइडलाइंस जारी की गई है आम जनता के लिए इस प्रदूषण को लेकर? देखिए बिल्कुल सही कहा आपने, यहाँ पर दिल्ली सरकार की माने तो गाइडलाइन जरूर जारी की गई है, स्कूलों को बंद कर दिया गया है, निर्माण जो इतने कार्य हो रहे थे उनको सबको रोक दिया गया है, और यहाँ तक कि जो अपने पर्सनल व्हीकल लेकर निकल रहे थे उन लोगों के लिए भी कहीं ना कहीं चेतावनी जारी की गई है। पार्किंगों के रेट बढ़ा दिए गए हैं ताकि लोग जो है वो अपनी अपनी गाड़ियां लेकर बाहर ना निकले, ताकि पॉल्यूशन जो है वो कंट्रोल में रहे। मगर लगातार कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार परिस्थिति बनी हुई है उससे कहीं ना कहीं जनता की परेशानियां बढ़ी हुई है, क्योंकि पॉल्यूशन का स्तर जो है बहुत ज्यादा दिल्ली के अंदर बढ़ चुका है, और लगातार कहीं ना कहीं जिस तरीके से पॉल्यूशन कंट्रोल होना चाहिए था वो कंट्रोल होता नजर नहीं आ रहा। और आज की एक्चुअल लेवल की बात करें तो वो भी लगभग 360 के करीब है, और लगातार दिल्ली का पॉल्यूशन जो है वो दम घोटू बनता चला जा रहा है, चाहे वो दिल्ली के एनसीआर की बात करें, दिल्ली के कनॉट प्लेस की बात करें, सीपी की बात करें, या फिर इन जगहों की बात करें, तमाम जगहों पर यही स्थिति बनी हुई है, और सफेद की चादर नजर आ रही है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं लोगों को आंखों में जलन की शिकायत हो रही है, यहाँ तक कि सांस नहीं ली जा रही है, मास्क का इस्तेमाल किया जा रहा है, मगर लगातार कहीं ना कहीं मास्क ये सोल्यूशन होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। मगर दिल्ली सरकार जो है वो कहीं ना कहीं स्कूलों को बंद करने के साथ साथ सोच रही है कि वो बच्चों को कहीं ना कहीं राहत दे सकती है, मगर घरों के अंदर भी जो पॉल्यूशन बना हुआ है वो भी कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। मगर इसको लेकर कहीं ना कहीं बड़े कदम होने चाहिए थे, मगर दिल्ली सरकार के द्वारा अभी तक कोई भी ऐसा बड़ा कदम होता हुआ नहीं आ रहा। जी बिल्कुल, देखिए सिर्फ स्कूल बंद कर देना या निर्माण कार्य बंद कर देना या ऑफिस बंद कर देना कोई समाधान नहीं होता है प्रदूषण को रोकने के लिए। बल्कि जिस तरीके से खुद मुख्यमंत्री ने जब शुरुआत पहले लगभग 7-8 महीने पहले उन्होंने एक योजना बनाई थी ऑड इवन को लेकर, अगर वो शुरू कर दी जाए तो कहीं ना कहीं राहत मिल सकती है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने पिछले 5-6 महीने पहले उन्होंने मुख्यमंत्रियों से बातचीत की थी जो पड़ोसी राज्य हैं, अगर उनसे फिर से बातचीत की जाए पराली को लेकर तो शायद कोई समाधान हो जाए। देखिए एक तरफ सुप्रीम कोर्ट की जिस तरीके से अब सख्त हो गया है, फटकार भी लगाई केंद्र सरकार को, दूसरी तरफ यहाँ पर अब केजरीवाल सरकार का फैसला सामने आ गया है जहाँ पर अब स्कूल कॉलेज और इन सबको बंद कर दिया गया है। लेकिन राजीव, जो आम जनता है क्या कोई रिएक्शन उनका सामने आ रहा है इस फैसले को लेकर? देखिए बिल्कुल सही कहा आपने, यहाँ पर बात करें जिस तरीके से दिल्ली सरकार कोशिश कर रही है, मगर वो कोशिश काबिल नाकामी साबित होती है, क्योंकि कागजों के अंदर बड़ी बड़ी कार्रवाई की जाती है, बड़ी बड़ी घोषणाएं की जाती है, मगर दरअसल पर जनता जो है वो परेशान है, और जनता ये भी समझ रही है कि जिस तरीके से दिल्ली सरकार कह रही है कि स्कूल बंद कर दिए गए, तो हमने जिस तरीके से बच्चों से बात करने की कोशिश करी तो बच्चों ने भी कहा कि लगातार जब जिस तरीके से सरकारें कोशिश कर रही है उनकी पढ़ाई रुक रही है, और जिस तरीके से स्कूलों को बंद किया गया है उससे कहीं ना कहीं उनकी पढ़ाई पर सीधे सीधा असर पड़ेगा। मगर यहाँ पर दिल्ली सरकार ने ऑनलाइन पढ़ाई की यानी कि माध्यम से कहीं ना कहीं कोशिश जारी रखी है, मगर ऑनलाइन पढ़ाई जो थी वो लॉकडाउन के अंदर भी देखने को मिली थी वो कितनी कारगर थी ये सबको पता है। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से लगातार पॉल्यूशन का स्तर बढ़ रहा है उससे कहीं ना कहीं जनता परेशान है, और जनता यही समझ रही है कि सरकारें सिर्फ खाना पूर्ति कर रही है, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, मगर जनता के लिए नहीं सोचा जा रहा है। मगर यही स्थिति बनी रही तो आने वाले दिनों के अंदर बहुत ज्यादा स्थिति बिगड़ सकती है, और कहीं ना कहीं संपूर्ण लॉकडाउन भी लगाया जा सकता है। जी बिल्कुल राजीव, सरकार वही रटी रटाई बातें कर रही है, कागजी बातों पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन जमीनी स्तर क्या कुछ बना हुआ है उस पर फोकस नहीं किया जा रहा है, इसको मिलकर लेकर काम करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजीव अधिक जानकारी देने के लिए। चलिए अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले कांग्रेस महंगाई के मुद्दे पर देशव्यापी जन जागरण अभियान 14 नवंबर यानी कि आज से 29 नवंबर तक प्रदर्शन करेगी। पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन 14 नवंबर से शुरू होने वाले इस अभियान के जरिए पार्टी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचकर उन्हें अपने साथ जोड़ने की कोशिश करेगी। अभियान के तहत पार्टी कार्यकर्ता प्रभारी फेरी, पदयात्रा और लोगों से संवाद भी करेगी। पार्टी के संगठन प्रभारी केसी वेणुगोपाल, वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह और रणदीप सुरजेवाला ने कांग्रेस मुख्यालय में मीडिया से बात करते हुए कहा कि मोदी सरकार की गरीब विरोधी नीतियों की वजह से 23 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे चले गए हैं। जनता परेशान है, इसलिए पार्टी जन जागरण अभियान शुरू कर लोगों को महंगाई के मुद्दे पर जागरूक करेगी। तो देखिए आज सड़कों पर उतरेगी कांग्रेस पार्टी। आपको बता दें कि 14
नवंबर यानी कि आज से लेकर 29 नवंबर तक यानी 15 दिवसीय प्रदर्शन यहां पर कांग्रेस का देखा जा सकता है। आज से इसकी शुरुआत हो जाएगी। तो बता दें कांग्रेस का 15 दिवसीय जन जागृति अभियान आज से शुरू हो जाएगा और जिस तरीके से जो महंगाई अपने चरम पर पहुंच चुकी है, आसमान छूने लगी है, उसको लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो प्रदर्शन है वो यहां पर देखा जाएगा, जिसकी शुरुआत आज से होगी। यानी पूरे 15 दिनों के लिए अब कांग्रेस सड़कों पर उतरकर देशव्यापी आंदोलन करेगी, साथ ही साथ जनता से संवाद भी करेगी। देखिए 5 राज्यों में चुनाव आने वाले हैं और महंगाई कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है और इसी के मद्देनजर रखते हुए अब यहां पर कांग्रेस प्रदर्शन करेगी। 14 से 29 नवंबर तक यह प्रदर्शन किया जाएगा। सड़क पर संग्राम करने पहुंच रही है कांग्रेस पार्टी। तो आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर यह जो प्रदर्शन है कांग्रेस के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और मुद्दा भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विधानसभा का चुनाव होने वाला, वहीं मुंबई में महानगर पालिका का चुनाव होने वाला है, उसको लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस ने कमर कस ली है। कांग्रेस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है जिसमें साफ तौर पर जन जागृति अभियान के तहत लगातार 15 दिनों तक आम जनता से रूबरू होगी और बीजेपी सरकार द्वारा किए गए तमाम कामों का पोल खोलते हुए जन जागृति करेगी। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ ठाकुर यशवंत सिंह जी है। यशवंत सिंह जी, सबसे पहले बताइए कि 15 दिन तक लगातार जन जागृति अभियान चलाया जाएगा, क्या मुद्दा रहेगा, किस मुद्दे को लेकर आप जाने वाले हैं? आपने देखा होगा कि जिस समय मोदी गवर्नमेंट सत्ता में आई थी उस समय इन्होंने बहुत सारे कमिटमेंट किए थे। कमिटमेंट में आप देखिए कि इन्होंने कमिटमेंट ये भी किया था कि जो भी लोग हैं उनको 15 लाख रुपए आपके अकाउंट में जमा होगा। इन्होंने कमिटमेंट किया था कि 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार दिया जाएगा। इन्होंने कमिटमेंट किया था कि जो पेट्रोल डीजल और इसके जो भाव हैं या जो भी गृह उपयोगी वस्तुओं के भाव हैं उसको कम किया जाएगा। इन्होंने कमिटमेंट किया था कि अर्थव्यवस्था को बहुत अच्छा किया जाएगा। ये सब जितने भी कमिटमेंट है, एडुकेशन पॉलिसी देख लीजिए, हेल्थ एडुकेशन देख लीजिए, इन्होंने जितने भी कमिटमेंट किए थे ये गवर्नमेंट हर कमिटमेंट में फेल है। इस जो फेलियर इनका है इसको हम लोगों के बीच में लगातार लेके जा रहे हैं, लेकिन अब एक स्ट्रेटजी के तहत, एक प्लानिंग के तहत कांग्रेस ने तय किया है, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने, और यहाँ पे नाना पटोले जी के नेतृत्व में हमने तय किया है कि लोगों के घर में जा जाकर हम लोगों को उनको रूबरू उनसे मुलाकात करें, उनको बताएं। इस गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो फेलियर है उसके बारे में उनको बताएंगे। महंगाई के मुद्दे को हम लेके जाएंगे उनके बीच में। बेरोजगार जो हमारे नवयुवक, जो पढ़े लिखे नवयुवक हैं उनके, वो जो बेरोजगार हो रहे हैं दिन ब दिन, उनको लेके जाया जाएगा। 21 करोड़ लोग लगभग, आप 3 करोड़ के लगभग लोग हर साल बेरोजगार हो रहे हैं। इन्होंने कहा था 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, 2 करोड़ लोगों की नौकरी तो आप छोड़ दीजिए, 3 करोड़ लोगों को इन्होंने हर साल में बेरोजगारी के कगार पर ला के खड़ा कर दिया है। तो ये सब जो ज्वलंत मुद्दे हैं, किसानों का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, अर्थव्यवस्था का मुद्दा है, यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं उसके बारे में माइन्यूटली हम लोगों को बताएंगे और लोगों को जागरूक। और इस पर अधिक बातचीत करने के लिए मेरे सहयोगी सत्य प्रकाश सोनी जुड़ चुके हैं मुंबई से लाइव। सत्य प्रकाश, देखिए जिस तरीके से आपने खुद यशवंत सिंह से बात की, उन्होंने कहा कि हम जो ये जो आंदोलन है लगातार जारी रहेगा, 15 दिन का आंदोलन किया जा रहा है, फिलहाल कितने बजे इसकी शुरुआत हो जाएगी, सड़कों पर कितने बजे कांग्रेस उतरने वाले हैं? सत्य प्रकाश, सही, पूरे देश में कांग्रेस जो है जन जागृति अभियान करने वाली है। अलग से अभियान 15 दिन तक चलाया जाएगा। इस दौरान अलग अलग वार्डों में, खासकर मुंबई में 227 वार्ड के जो जिले हैं उन सभी जिलों में जन जागृति अभियान के तहत सरकार की नीतियों द्वारा की गई गड़बड़ियों का उजागर किया जाएगा। खासकर जिस तरह से लगातार पूरे देश में महंगाई का दौर है, बेरोजगारी का दौर है, पेट्रोल डीजल की महंगाई का दौर है, अब ऐसे में जिस तरह से किसानों के साथ काला कानून बनाया गया उसको लेकर जो है कांग्रेस आम जनता के बीच में जाएगी, खासकर उन युवाओं के बीच में जाएगी जिन युवाओं को 2 करोड़ रोजगार देने की बात कही गई थी, लेकिन लगभग 1 करोड़ जो लोग हैं वो 2 साल में बेरोजगार हो गए।
ज्यादातर इस तरह का मुद्दा लेकर कांग्रेस जो है जन जन तक जाएगी, लेकिन इसको लेकर आज कांग्रेस के तमाम मंत्री, तमाम विधायक, नगर सेवक और तमाम जो पदाधिकारी है वो दादर के चैत्य भूमि में जाएंगे और वहां नमन अर्पण करके बाद जो है 15 दिन का यह आयोजन सुचारू रूप से आज से शुरू किया जाएगा। बिल्कुल, देखिए सत्य प्रकाश, देशव्यापी जन जागरण अभियान आज से इसकी शुरुआत कर रही है कांग्रेस, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव नजदीक है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक बड़ा मुद्दा तो है ही महंगाई, साथ ही साथ कृषि कानून भी बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन फिलहाल अभी जो फोकस है कांग्रेस का वो है सिर्फ अभी महंगाई को लेकर। तो क्या 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं इसके मद्देनजर रखते हुए कहीं ना कहीं कांग्रेस अब बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रही है? बिल्कुल विकास जी, देखिए मुद्दा इसी को लेकर उठाया जा रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है, मुंबई महानगर पालिका का भी चुनाव है, ऐसे में इसको मुद्दा बनाया जाएगा और इस मुद्दे के साथ ही जो है बातें रखी जाएगी, खासकर जिस तरह से लगातार बीजेपी सरकार ने युवाओं को भटकाया है उसका जो है मुद्दा उठाया जाएगा, महंगाई का मुद्दा उठाया जाएगा, उसको बताया जाएगा कि किस तरह से जो लगातार महंगाई बढ़ रही है लेकिन सरकार इस पर अमल नहीं कर रही। सत्य प्रकाश, देखिए आपने खुद ही डॉक्टर यशवंत सिंह से बात भी की, जिस तरीके से आपने उनसे क्वेश्चंस पूछे भी थे फिलहाल, लेकिन ये स्ट्रैटेजी क्या कुछ रहेगी कांग्रेस के बीजेपी को घेरने की इन 15 दिनों में कांग्रेस क्या क्या करने वाली है? देखिए कांग्रेस के जो तमाम बड़े पदाधिकारी हैं, चाहे वो मिनिस्टर हो चाहे फिर उसके अध्यक्ष हो, उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि हर वार्ड में जो है इस तरह की रैलियां निकाली जाएगी, पदयात्रा निकाली जाएगी, इस पदयात्रा के दौरान जो है जो तमाम युवा प्रभावित है खासकर केंद्र सरकार की नीतियों से प्रभावित है उनको जो है समझाया भी जाएगा, उनको जो है बीजेपी की जो नीतियां हैं उनके बारे में जानकारी दी जाएगी और उनको किसी तरह से जो है कांग्रेस का जो कहीं कहीं जनजन सुता है उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। इस दौरान 11 से ज्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश की जाएगी और सबसे आम बात की जो समस्याएं मूलभूत सुविधाएं हैं वो जनजन तक नहीं पहुंच रही उसके बारे में लोगों को जागरूक किया जाएगा जिससे ज्यादा लोग कांग्रेस से जुड़े। बिल्कुल सत्य प्रकाश, यानी कि हम कह सकते हैं इस अभियान के तहत कहीं ना कहीं कांग्रेस अपने आप को मजबूत करने की कोशिश तो कर ही रही है, साथ ही साथ बीजेपी को कहीं ना कहीं घेरने की कोशिश करेगी और अपनी पार्टी को और भी ज्यादा मजबूत करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सत्य प्रकाश आपका, नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ लेते हैं। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए पंजाब कांग्रेस एक्टिव दिखाई दे रही है और इसी कड़ी में आज कांग्रेस सोशल मीडिया सेल अध्यक्ष सम्राट ढींगरा के नेतृत्व में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक एक कार्यशाला आयोजित की जाएगी। ये प्रशिक्षण शिविर पंजाब कांग्रेस भवन सेक्टर 15 में आयोजित किया जाएगा। वहीं इस कार्यक्रम में पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, पीसीसी के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू और पंजाब कांग्रेस मामलों के प्रभारी हरीश चौधरी भी शामिल होंगे। तो देखिए आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर एक प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है जिसकी शुरुआत आज 10 बजे से होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि पंजाब में देखिए विधानसभा के चुनाव नजदीक है और कांग्रेस अपने आप को वहां पर और मजबूत करने की कोशिश कर रही है। कुछ समय से देखा जा रहा है कि कांग्रेस के अंदर जो अंतर्कलह है वो यहाँ पर देखी गई थी। कभी नवजोत सिंह सिद्धू नाराज हो रहे थे तो कहीं ना कहीं अमरत सिंह ने भी इस्तीफा दे दिया था और इस बीच कहीं ना कहीं अब कांग्रेस भी बिखर गई थी, लेकिन अब यहाँ पर कांग्रेस अपने आप को मजबूत करने के लिए और कार्यकर्ताओं को जोड़ने के लिए प्रशिक्षण शिविर लगा रही है। और मेरे साथ जुड़ चुके हैं पंजाब से ब्यूरो चीफ कुलदीप दीवार। कुलदीप जी, देखिए जिस तरीके से अब यहाँ पंजाब में चुनाव तो नजदीक आ ही रहे हैं, साथ ही साथ सबसे बड़ी बात यह भी हो जाती है कि अपने कार्यकर्ताओं को और मजबूत करने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है, कार्यकर्ताओं को पार्टी में और जोड़ने की कोशिश की जा रही है, प्रशिक्षण शिविर लगाया जा रहा है, क्या कुछ इसमें कार्यक्रम रहेंगे, किस तरीके से यहाँ पर लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी? कुलवीर जी, मुझे आपकी आवाज़ ठीक से नहीं पहुंच पा रही है, मैं फिर से जुड़ने की आपके पास कोशिश करती हूं, तो टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हमारी बात नहीं हो पा रही है। आपको बता दें कि विधानसभा के चुनाव नज़दीक हैं और इस बीच यहां पर कांग्रेस अपने आप को मजबूत करती हुई और भी कार्यकर्ताओं को अपने साथ जोड़ती हुई और प्रशिक्षण कार्यशाला को आयोजित कर रही है ताकि जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है उन्हें किस तरीके से उनको ट्रेनिंग दी जाए और किस तरीके से उनको और आगे बढ़ाया जाए, अपनी पार्टी को और मजबूत किया जाए और बाकी कार्यकर्ताओं को और कैसे जोड़ा जाए, इस पर
यहाँ पर बातचीत होगी, साथ ही साथ यहाँ पर कार्यकर्ताओं को भी कुछ इस ट्रेनिंग के माध्यम से गुर सिखाए जाएंगे। तो देखिए, सोशल मीडिया सेल अध्यक्ष के नेतृत्व में यह प्रशिक्षण शिविर किया जा रहा है और इस शिविर में मुख्यमंत्री चन्नी, नवजोत सिंह सिद्धू शामिल होंगे, साथ ही साथ पंजाब प्रभारी हरीश चौधरी भी इस आयोजन में शामिल होंगे। तो देखिए, इस शिविर की शुरुआत आज सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगी और इस बीच कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दी जाएगी किस तरीके से सड़क पर जाना है, किस तरीके से उनको अपनी बात सामने रखनी है और किस तरीके से कार्यकर्ताओं को और भी ज़्यादा अपनी पार्टी में जोड़ना है, इसको लेकर यहाँ पर शिविर में इन सभी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। और पंजाब से ब्यूरो चीफ कुलवीर दीवान जी मेरे साथ फिर से जुड़ चुके हैं। कुलवीर जी, देखिए, विधानसभा के चुनाव नजदीक है, कांग्रेस प्रशिक्षण अब शिविर भी लगाने जा रही है, क्या कुछ है इस शिविर के जरिए, क्या कुछ करना चाहती है कांग्रेस? देखिए, यह शिविर जो है वो सोशल मीडिया टीम का है, उसको सशक्त करने के लिए कांग्रेस आज ट्रेनिंग कैंप लगा रही है और सोशल मीडिया, क्योंकि अब सबसे ज्यादा एक ये कहें कि सबसे मजबूत प्लेटफॉर्म है किसी भी बातचीत करने के लिए, क्योंकि बाकी जो मीडिया जो माध्यम है मीडिया के उनकी इंफॉर्मेशन की लाइफ जो है वो इतनी ज्यादा नहीं होती जितनी कि सोशल मीडिया की होती है और सोशल मीडिया पर अधिक से अधिक जो चाहे वो चुनाव प्रचार की सामग्री हो या फिर चुनाव प्रचार से जुड़ी हुई कोई भी मुहिम हो उसको ज्यादा से ज्यादा चलाया जा सकता है, जबकि और जो माध्यम है उनकी कहीं ना कहीं लिमिट जो है वो रहती है। तो ऐसे में क्योंकि विपक्षी पार्टियां भी तमाम सोशल मीडिया पर पूरी तरह से एक्टिव है, खासतौर पर आम आदमी पार्टी जो है वो उसने पिछली बार भी अपनी सक्रियता जो है वो काफी ज्यादा दिखाई थी पंजाब के विधानसभा चुनाव में और उसका फायदा भी कहीं ना कहीं उसको हुआ था। उसके बाद कहीं जो दूसरी पार्टियां हैं उनको भी अब अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर होना पड़ा था और सोशल मीडिया का सहारा तमाम पार्टियों ने लिया था। श्रोमणी अकाली दल भी इसमें काफी ज्यादा आगे जो है ये कहेंगे इस रणनीति में आगे बढ़ चुकी है और पंजाब कांग्रेस जो कि सत्ता में है ये चाहती है कि उसकी सोशल मीडिया टीम भी जो है वो सशक्त हो, क्योंकि सोशल मीडिया टीम पे ना केवल अपनी सरकार की या अपनी पार्टी की जो नीतियां हैं या उपलब्धियां हैं उनका प्रचार प्रसार किया जाता है बल्कि जो और अन्य पार्टियां सोशल मीडिया के जरिए आरोप प्रत्यारोप लगाती हैं या फिर हमला करती हैं उसका जवाब देने के लिए भी जो एक टीम जो है वो सशक्त होनी चाहिए और इस टीम के पास पूरी जानकारी होनी चाहिए कि पार्टी की किस तरह की रणनीति है, क्या नीतियां हैं और सरकार की क्या उपलब्धियां हैं। तमाम जानकारी के साथ ये टीम एक्टिव रहती है और जैसे ही कोई इसको इन्फॉर्मेशन मिलती है या प्रचार इसको करना होता है तो उसको एक प्रभावशाली ढंग से ये टीम जो है वो लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करती है और इसके अलावा यदि विपक्षी पार्टी की तरफ से कोई आरोप या फिर कोई प्रहार जो है वो किया जाता है तो उसका भी उत्तर देने के लिए ये टीम जो है वो तुरंत उसका उत्तर देने की कोशिश करती है और तथ्यों सहित उसका आंसर देने की कोशिश करती है। तो ऐसे में अहमियत समझी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सबसे ज़्यादा एक अच्छा तरीका होता है अपनी बात पहुंचाने का आम जनता से और इसी को लेकर हर पार्टी इसका इस्तेमाल भी करती है। देखिए, इस प्रशिक्षण में कहने के मुख्यमंत्री चन्नी भी पहुंचेंगे, साथ ही साथ नवजोत सिंह सिद्धू भी इसमें शामिल होंगे। क्या हम ये कह सकते हैं कि अब जिस तरीके से जो अंतर्कलह दिख रही थी पंजाब में अब वो अंतर्कलह कहीं ना कहीं दूर होती हुई नजर आ रही है? क्योंकि देखिए, नवजोत सिंह सिद्धू और चन्नी एक साथ अब नजर आने लगे हैं, जहां भी जाते हैं किसी एक मंच पर जाते हैं तो एक मंच साझा भी करते हुए नजर आते हैं, अब चुनाव भी नजदीक आ रहे हैं तो क्या पार्टी को और मजबूत करने के लिए या चुनावों में अपनी जीत को फिर से हासिल करने के लिए या पंजाब फिर से सरकार बनाने के लिए अब नवजोत सिंह सिद्धू कहीं ना कहीं अब सपोर्ट करने लगे हैं चन्नी को? देखिए, फिलहाल ये तो नहीं कहा जा सकता कि दूरियां जो है वो कांग्रेस की कम हो गई हैं, लेकिन इसका जो है कि पिछले 4-5 दिनों में इस तरफ कोई कदम जो है वो नहीं रखा गया जिससे लगातार एक खाई जो है वो बढ़ती जा रही थी पंजाब कांग्रेस में। तो ऐसी कोई गतिविधि या फिर इस तरह की कोई डेवलपमेंट जो है वो जो
जो कि डिफरेंसेस की हो, उस तरफ कांग्रेस नहीं गई, ये कांग्रेस के लिए राहत की बात है। लेकिन फिलहाल इन इन हालातों का आकलन करके ये कहा जाए कि पंजाब कांग्रेस में एकदम से एकजुटता आ गई है, ये आकलन फिलहाल बहुत जल्दबाजी में होगा। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि पिछले कुछ चार पांच दिनों से राहत जरूर है कि अंतरकला जो है वो आगे नहीं बढ़ी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कुलवीर दीवान जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने समय देने के लिए। तो इसी के साथ राजधानी लाइव में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ईएनबी न्यूज़। नमस्कार।